ये व्हाट्सअप का सर, हम फिर से आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम इस गेम से निकलने के लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ग्रैनी हमें इस घर से निकलने नहीं दे रही थी। भाई आज हम फिर से आ चुके हैं ग्रैंड स्टूडियो में, जाल बिछा रखे हैं, लेकिन हम बच के निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम भी होशियार हो चुके हैं इस गेम को खेल खेल के। अगर अब ग्रैनी अगर मिलेगी भी तो हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार है नहीं। फिलहाल ये तरबूज लेके चलते हैं, तरबूज को काटते हैं। तरबूज के अंदर शायद हमें कोई की मिलेगी जो कि हमारे बहुत ही काम की होगी, इसलिए सबसे पहले चलते हैं तरबूज को काटते हैं। भाई चलो फंस जा, कट जाए यहाँ से, कट। चलो भाई हमें मास्टर की मिल चुकी है। मास्टर की मिलने के बाद आई थिंक हमें सिर्फ एक की और चाहिए, पैडलॉक की, और हम इस घर से फुर मतलब उड़ जाएंगे भाई इस घर से। अगर हमें एक की और मिल गई, अगर पैडलॉक की अगर मिल गई, हम इस घर से फुर हो जाएंगे बिना गिरानी को पता चले। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि पैडलॉक की हमें मिल जाए जल्दी से। इसके लिए चाहिए हमें सेफ की। सेफ की हमें मिल तो जाती है, लेकिन आसानी से नहीं मिलती इस गेम में। भाई जाल से बच के रहना पड़ेगा, जाल में अगर फंस गया ना तो गया यहीं पे गेम पूरा। भाई स्पार्क प्लग हमें मिल चुका है, स्पार्क प्लग आई थिंक मैंने किसी काम का नहीं स्पार्क प्लग, फिर भी देख लेता हूँ। भाई भागो 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 भागो, भाई आंखों सामने आ गई, भाई भागो। भाई चेक करता हूँ सबसे पहले, भाई नो अभी नहीं खुलेगा, भाई यहीं फेंक देते हैं मास्टर की को। बुक उठाते हैं यहाँ से, बुक उठा के लेके चलते हैं ऊपर, चल के ऊपर जो ग्रैनी की ग्रैनी है उसके उसे वहाँ से मतलब उसे छुड़ाते हैं वहाँ से हम। अगर वो छूट जाएगी वहाँ से तो हमें एक की दे देगी जो कि हमारे बहुत ही काम की होती है, इसलिए हम सबसे पहले उसे चल के छुड़ाएंगे वहाँ से। भाई हमारे एक पैर में जाल फंस चुका है, जल्दी छुड़ा दो ना, ग्रैनी आ जाएगी, ग्रैनी में सर पट से हेड शॉट मार देगी और गेम यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए भाई चलो निकल तो गए हम फटाक से यहाँ से, भाई वरना ग्रैनी कुत्ता बना देती है हमें फट से मार के। भाई चलो इसको तो हमने छुड़ा दिया यहाँ से, ये यहीं पसर गई है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पड़ी रहो यहीं पर। भाई रिंच लेते हैं, रिंच, भाई रिंच उठा ले भाई जल्दी से, रिंच उठा लिए सर ने हमें, रिंच लेके चलते हैं नीचे कार का। भाई भागो भागो भाई, भाई इस गेम को मैं खेली लेकिन इतना अंदाजा हो गया इस गेम को, मुझे कब पता है ग्रैनी कब आएगी कब नहीं आएगी, इसलिए धीरे धीरे इस गेम को मास्टरी करता जा रहा हूँ। भाई चलो कोई ना, हम सोच रहे थे रेंच से मार दूँ उसे वहाँ से फेंक के और उसे वहाँ से पेचकस गिरा लूँ उसमें, मगर तक अच्छा निशान हमारा है नहीं, ट्राई किया था नहीं पड़ा, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर, भाई बैठा क्यों उठ जा मेरे प्लेयर, चलो उठ गए हम। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं किनारे से, भाई रिमोट कंट्रोल उठाते हैं यहाँ से, रिमोट कंट्रोल उठाने के बाद चलते हैं रिमोट कंट्रोल से, वो रिमोट कंट्रोल जो डोर है भाई से यहाँ से गिरा देते हैं। ग्रैंड डिस्ट्रैक्ट हो गई यहाँ पे आई आवाज़ सुन के उसकी, अब तक वहाँ पे चले जाएंगे वहाँ से आके, वो रिमोट कंट्रोल डोर है जो उसे खोल लेंगे, उसके अंदर गए पेपर स्प्रे मिलेगा और कुछ मिल और कुछ चीज़ मिल गई तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। चलो पेपर स्प्रे तो मिलना ही था उसमें, हमें पता था पेपर स्प्रे तो मिलेगा ही, और कुछ मिले ना मिले पेपर स्प्रे मिलना है एक कॉमन सेंस की बात उसमें, बस समझ रहे हो ना, पता नहीं क्या है इस घर में, पेपर स्प्रे उसी के अंदर मिलता है हमेशा। मैंने इसके पहले पेपर स्प्रे मुझे कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसी रिमोट कंट्रोल डोर के अंदर ही पेपर स्प्रे मिलता है मुझे, हर बार का नियम है उसी के अंदर मिलता है। भाई ग्रैनी पागल हो गई है, या तो ग्रैनी को उसकी जगह कोई जगह नहीं मिलती रखने के लिए, हमेशा उसी जगह पेपर स्प्रे रखती है। भाई भाई एक सड़ा सा कौआ है जो कि हमें की लेने नहीं देगा जब तक हम इसे गोली से उड़ाएंगे नहीं। सबसे पहले चलते हैं बंदूक उठाते हैं, बंदूक उठा के इसका थोपड़ा उड़ाएंगे, थोपड़ा उड़ा के इसे की ले लेंगे, क्योंकि साला यार हम ही कौआ आराम से तो देगा नहीं, इसलिए हमें इसे फोड़ना ही पड़ेगा। भाई सबसे बड़ी सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, बगल में देखते हैं भाई ग्रैनी, ओके भाई ग्रैनी के डर लग रहा था, कभी कभी वो सीढ़ियों के बगल मतलब दरवाजे के बगल में ही खड़ी रहती है, जैसे आप जाओगे पट से हट मार देगी घूम के, इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर जाना पड़ा। भाई ये देखो आ गई, भाई फंस गए, भाई भाई मर जाता भाई, मैं फिल जाता अभी इस ग्रैनी से। भाई मैं सोचा था वहाँ से बगल से निकल जाऊँ लेकिन उसने फंस लिया था भाई मुझे, अभी जाने नहीं दी मुझे। देखो मिल गई नहीं मुझे मास्टर की, मास्टर की लेके चलते हैं सबसे पहले नीचे टीवी के पास जो सीक्रेट डोर है जमीन में, उसे खोलते हैं ऊपर, उसे खोलने के बाद वहाँ नीचे चलेंगे, नीचे एक मकड़ा दानों मिलेगा, मकड़ा दानों हम मकड़े दानों को तो मार नहीं सकते किसी भी तरीके से, मगर उससे बच सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी जगह जहाँ पर हम छुप सकते हैं और उससे बच सकते हैं। पिछले गेम में आपने जैसा देखा होगा कि हम उसके अंदर गए तो थे लेकिन हमें बम ब्लास्ट से मर गए थे, इसलिए इस बार अलर्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि भाई उस बार पिछली बार गेम में हम गए थे बक्से के अंदर बम लगा के रखा था ग्रैनी ने। भाई पहले डब्बे में तो उसने तरबूज रखा था लेकिन दूसरे में बम रखा था, हमने दूसरा भी खोलते दूसरे में पिल गए हम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, बहुत मस्त वीडियो वाली।
सबसे पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के देखते हैं टीवी के ऊपर भाई, सिर्फ स्पेशल की जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, पता ही नहीं कहाँ पे जरूरत होती, तो किसी काम की तो नहीं है ना मेरे हिसाब से, तो पता ही नहीं है किसी की जरूरत होती है। तो इंजन पार्ट मिल चुका है, इंजन पार्ट लेके चलते हैं भाई। यहाँ पे कुछ है क्या भाई, इसे खोल देते हैं सबसे पहले, हम इसे खोल देते हैं, यहीं से फोर रोल लेते हैं भाई। एक सेकेंड, पहले ग्रैनी को यहाँ बुलाते हैं आवाज़ सुना के। चलो ग्रैनी इसकी आवाज़ सुनेगी और यहाँ से आएगी, जैसे ही अब आई है ना आवाज़, पहले मट्टी में रहते थे, बात नहीं है भाई, जैसे ही आवाज़ आएगी मैं यहाँ से फोर हो जाऊँगा खिड़की के अंदर से भाई, दरवाजे से आएगी मैं खिड़की से अंदर हो जाऊँगा। 1 2 3 गो। चलो भागो भाई, वो गई बाहर, देखो ये देखो गई बाहर भाई, बाहर जाके ढूंढेगी हम अंदर हैं, देख रहे हो हाई आई क्यू गेम प्ले खेल रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं, मेरा फ्लैग लिया, मेरा हाई आई क्यू गेम प्ले ही होता है हमेशा भाई। सबसे पहले चलते हैं इंजन को, इंजन को लगाते हैं कार में, रिंच ले, रिंच ढूंढते हैं, रिंच के बिना कस नहीं पाएंगे इंजन, और रिंच ढूंढते हैं चल के भाई। अगर यहाँ से इस खिड़की से अंदर जा पाता ना तो भाई मज़ा ही आ जाता, हर बार मैं यहीं से घुस जाता भाई। इंजन पर वो कहाँ रखा है रिंच, हमने हमने रिंच कहाँ फेंक दिया भाई, आप लोगों को पता है क्या भाई कहाँ फेंका भाई। आ गई, भागो 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 भागो, सबसे पहले यहीं से घुसते हैं, यहीं से घुसते हैं भाई, क्योंकि वो जल्दी जाएगी नहीं, टाइम वेस्ट कराएगी हमारे, इसलिए हम यहीं से घुसते हैं, यहीं से घुस के निकल लेते हैं ऊपर। सबसे पहले चल के हम चलते हैं, रिंच उठाते हैं, रिंच उठाने के बाद इसके अंदर क्या क्या भाई, इसके अंदर तो सिलेंडर की डॉल रखी है, तो सिलेंडर की डॉल उठा के हम यहीं फेंक, मैं क्या ही करूँगा सिलेंडर की डॉल उठा के भाई। सबसे पहले ऊपर ही ले चलते हैं, अगर आप ऊपर आ ही गए हो तो सिलेंडर की डॉल सिलेंडर के कमरे में रख आता हूँ, भले ही मुझे पता है कि उसको भाई वहाँ पे तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन सिलेंडर की डॉल ऊपर वाले कमरे में रख दूंगा जाके, जो कि आसान रहेगी, मुझे बार बार लेके नहीं आनी पड़ी भाई, इसने पेपर स्प्रे भाई कोई काम का नहीं है। ऊपर चलता हूँ, ऊपर चल के सिलेंडर की डॉल उसी कमरे में फेंक दूंगा, वहाँ से बाथरूम से निकल आऊंगा, मतलब हाँ यहीं फेंक देता हूँ मैं भाई, क्योंकि इसके लिए तो मैं वो चाहिए ना हैमर, हथौड़ा चाहिए, मतलब थौर का हथौड़ा चाहिए, थौर का हथौड़ा तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं यहीं फेंक दूंगा इसे। और ग्रैनी अगर आएगी तो मैं यहाँ से कूद के निकल जाऊँगा फिर ऐसे। चलो नहाने वाले में कुछ भी नहीं भाई, भाई टट्टी के अंदर, भाई टट्टी के अंदर कार की रखी है भाई, अमेजिंग, टट्टी के अंदर कार की कौन रखता है अभी। चलो कोई ना, टट्टी के अंदर कार की रखी थी, लेकिन कार की तो मिल ही चुकी है, लेके चलते हैं कार की, लेके चलते हैं कार की, लेके कार की डिग्गी खोलेंगे, डिग्गी के अंदर हमें आई थिंक कोई ना कोई तो काम की चीज़ मिलेगी भाई, कोई ना कोई काम की चीज़ दे देंगे भाई। ओबे हो, वेपन की, बस इसी के इंतजार था मैं, वेपन की के इंतजार था, क्योंकि हाँ पास कोई वेपन नहीं था और हम गैस से डर के खेल रहे थे। सबसे पहले चलते हैं वेपन की उठाते हैं, वहाँ से क्रॉस बार उठाएंगे, क्रॉस बार लेके ग्रैनी को एक प्यासा स्वीट कॉर्न रोल देंगे, जो कि उसे खिला के वो सो जाएगी, मतलब खा के सो जाएगी। चलो क्रॉस बार उठाते हैं, इंजेक्शन उठाते हैं, इंजेक्शन उठाए, ग्रैनी ग्रैनी वे आर यू, ग्रैनी आ जाओ, ग्रैनी ग्रैनी भाई आ जा आ जा आ जा, पट से हेड शॉट खाओ और रोल खा के सो जाओ, विमल बोलो जुबा केसरी भाई, दांत तो तुम्हारे बिल्कुल विमल वाले हैं, जैसे विमल ही खाती हूँ पूरा दिन। चलो हमने तो इसे बेहोश कर दिया, इसके ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं हम लोग, क्यों यहीं पड़ी रहेगी ये, जब तक ये पड़ी रहेगी तब तक हम इसे भाई निशाना चूकना नहीं चाहिए भाई, निशाने को तो कमाल हमारा, निशाना अचूक हो चुका है भाई इस गेम को खेल खेल के। पट से हेड शॉट डायनामो को तो हमने इतना देखा है ना, कि पट से हेड शॉट तुम्हारा मिस ही नहीं होता ना, क्योंकि डायनामो और श्राउड को इतना देख चुके हैं इस गेम में खेल खेल के, मतलब पबजी को देख देख के, निशाना तो चूकने से रहा। सबसे पहले चलते हैं भाई, कहाँ चला रहा हूँ भाई मैं पागलों की जैसे, सीढ़ियों के नीचे वो जगह थी खोलने के लिए, तो मैं ऊपर चला रहा हूँ सीढ़ियों के, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। चलो स्पेशल की मिल चुकी है भाई, सेफ की, सॉरी सेफ की मिल चुकी है, सेफ की चलते हैं, ग्रैनी का लॉकर खोलते हैं, ग्रैनी के लॉकर के अंदर कुछ ना कुछ तो काम की चीज़ मिलेगी हमें होपफुली भाई। चलो हमें एक वो मिल चुका है, हीरो से जुड़ा हुआ कटर, जो कि ग्रैनी ने लॉकर के अंदर रखा था भाई, लॉकर भाई इसको भी काट देते हैं, चलो इसको भी काट दिया, इसे इसे यहीं फेंक देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ऊपर ऊपर के लिए चाहिए हमें हथौड़ा, क्योंकि हम उसे ग्रैंड सिलेंडरीना की डॉल, मतलब सिलेंडरीना का रूम में जब जाएंगे तो वहाँ की लकड़ी उठा के हम टूटे फ्लोर पर रख के उस पार जाएंगे, उस पार जाके हमें एक और तार काटना होगा, इसलिए बिना होता के हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल के लिए। सबसे तो पहले चलते हैं, इसको कस देते हैं भाई, कस जब भाई बहुत भाई, आ जा भाई सही जगह भाई, इसकी सेंसिटिविटी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब कोई ऐसा गेम मिलता है मुझे, जो करना चाहो होता है नहीं इस गेम में।
चलो कस दिए हमने सारे नट, कोई बात नहीं, ये सब यहीं फेंक दो, इसे किसी काम का नहीं फिलहाल के लिए, बेकार है ये रिंच। ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर चल के हमारे भाई और क्या है, मास्टर की मास्टर भाई खुलेगा क्या भाई? फिर भी नहीं खुल रहा। मैं भी कह, दो बार ट्राई कर लिया हमने लेकिन दो बार में ही नहीं खुला वो। आई थिंक इस भाई आ गई, यानी एक रोल और खाओ, सो जाओ, बोलो सुबह केसरी, भागो यहाँ से भाई, गले वाले मत मिलो, हटो 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 हटो, धक्का दे देंगे वरना तुम्हें पेल दो भाई। उल्टी हो गई भाई, उल्टी हो गई ग्रेनी। क्रॉस बार उठाते हैं यहाँ से चढ़ के भाई, गिर जा भाई, गिर जा यहीं से, यहीं से गिर जा भाई, गिर जा भाई, धक्का दे दिया भाई ग्रेनी को हमने यहीं सीढ़ियों से। चलो इसके पियानो के अंदर देखते हैं, पियानो के अंदर हमें स्पार्क प्लग मिल चुका है जो कि मैं कार में जरूरत है लगाने के लिए। इसको चलते हैं सबसे पहले कार में लगाते हैं, कार में लगाने के बाद और कुछ अगर हम किस में कर सकते होंगे तो वो भी कर देंगे। फिलहाल के लिए तो कार के पास चलते हैं, कार के पास चलते हैं, कार के आगे का बोनट खोलते हैं, बोनट खुला हुआ है, स्पार्क प्लग लगाते हैं, स्पार्क प्लग लगा के ऊपर चल के देखते हैं और भी कुछ काम की चीज़ में है क्या हमारे लिए। चलो हमने स्पार्क प्लग लगा दिया, स्पार्क प्लग लगा के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। ग्रैनी से मैं डर नहीं है, ग्रैनी दो मतलब 2 मिनट के लिए साइलेंट है, इसलिए मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले चलते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, उसको भी उठा के ऊपर फेंक देंगे क्योंकि ये प्ले हाउस में ये काम आएगा। प्ले हाउस की अभी तक मिली नहीं है, तो ये माई थिंक, आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे किसी काम का है। भाई चलो क्रॉस बार उठा लिया हमने, क्रॉस बार उठा के चलते हैं भाई। इंजेक्शन तो उठा ले, इंजेक्शन के बिना क्रॉस बार चलेगा कैसे? फालतू में बस इधर से उधर नाचेंगे ना भाई। चलो मकड़ा के घर में जाने के रास्ते में हम आ चुके हैं, मकड़े के घर में घुस चुके हैं, मतलब लगभग लगभग घुस ही चुके हैं। बस के अंदर जाएंगे तो मकड़े घर में घुस जाएंगे भाई। चलो डरावना म्यूजिक चालू हो चुका है, हमारी जोक ले रही है, इसलिए हम थोड़ा बच बच के रहेंगे भाई। ऐसी तैसी होने लगती है इस गेम को मेरी देख के भाई। मकड़ा भी आंखों के सामने से जाएगा, देख रही हो भाई, देखते जाना बस, मकड़ा भी आंखों के सामने जाएगा सब। चलो बंदूक की पार्ट मिल चुका है हमें, यहाँ से फेंकते हैं इसे, सबसे पहले इसे उठाते हैं भाई। अबे चल इसे उठाते हैं सबसे पहले भाई, मेरा क्रॉस बार। अबे यार वो गिर गया था भाई, इंजेक्शन, इंजेक्शन के बिना कहीं कुछ कर सकता था। यहाँ से तो चढ़ नहीं पाऊंगा वापस, वापस मुझे वहाँ से ऊपर से जाना पड़ेगा। ऊपर से जाने के बाद ही भाई कहाँ जा रहा हूँ, सबसे पहले नीचे चलते हैं, नीचे चल के वो शॉटगन के पार्ट को शॉटगन के पार्ट में लगा देते हैं, अगर हमें कुछ मिला तो जल्दी शॉटगन कहीं कंप्लीट हो जाएगी। चलो शॉटगन के पार्ट में लगा दिया हमने, ओके एक पार्ट अभी मिसिंग है, कोई बात नहीं, एक पार्ट अभी, सिर्फ एक पार्ट मिसिंग है। चलो इंजेक्शन उठाते हैं, इंजेक्शन उठा के सबसे पहले ऊपर चलते हैं सीढ़ी से। ऊपर आ चुके हैं सीढ़ी भाई, ग्रैनी आ चुकी, ग्रैनी क्योंकि रोल आउट देते हैं, रोल खा के फ्रेश हो जाएगी, बोलो चुबा के सीढ़ी, अब गिर जाओ जमीन में भाई। चलो कोई बात नहीं, ये गिर चुकी है, इसको ऊपर चलते हैं भाई, यहीं पड़ी रहेंगी है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं क्या वो मकड़ा दानों क्या हमें दिख सकता है दोबारा। अगर दोबारा तो बस पकड़े नहीं, बस हमें दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, बस पकड़ के हमें खाए वाए नहीं, बस किसी खाने वाले से डर लगने लगा। अब हमें, अब हम यहीं तो आए थे अभी, नहीं मैं गलत रास्ता आ गया भाई, सामने से जाएगा ये गया भाई भाई ये गया, हम इसके अपोजिट ठहर जाएंगे यहाँ पे आके भाई, छोटे से कमरे गुजे गुजे गुजे। चलो हथौड़ा मिल गया, बहुत काम की चीज़ मिल चुकी है हमें, इसके अंदर देखते हैं भाई, खाली है हमेशा की तरह, इसे यहीं फेंकते हैं, हथौड़ा उठाते हैं, हथौड़ा उठा के निकलते हैं यहाँ से भाई। और कुछ भी देख लेता हूँ शायद, और कुछ काम की चीज़ मिल जाए हमें भाई। मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ भाई। भाई ये कहाँ है, चलो यहीं घुस जाते हैं सबसे पहले भाई। मैं रास्ता भटक चुका हूँ, जहाँ से मैंने वो शॉटगन का पार्ट फेंका था, मुझे नहीं पता वो किस जगह पे है, क्योंकि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे नहीं पता भाई। मुझे भाई मकड़ी की आवाज़ आ रही है बहुत बुरी वाली भाई, मुझे लग रहा है मैं पिलने वाला हूँ बहुत जल्दी भाई। आ गया आ गया आ गया, चलो अपोजिट साइड जाते हैं इसके भाई, यहाँ से भाई चलो बच बच निकलते हैं यहाँ से, बच बच निकलते हैं, निकलते निकलते हैं, पीछे पड़ा भाई मेरी आवाज़ आ रही है, पीछे पड़ा, पीछे भगो 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 भाई, आ जा भाई, आंखों के सामने आ गई मेरे भी, गलत जगह पहुंच गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।